दोस्तों, हमारे टूल और डाइयों में जो भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, आप जानते होंगे कि वो मेटल जब कट कर आता है तो हैस्केप पे कट कर आता है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास जो भी अपने साइज चाहिए होता है, आपने वो साइज सामने वाले को देते हो, सामने वाला उस साइज का मेटल को काट कर आपको देता है, तो वेंड हैस्केप पे कट कर आता है। लेकिन कुछ चीज़ें आपने देखा होगा कि आपने कंपनी में देखा, अपनी वर्कशॉप में देखा होगा कि कभी कभी आप कुछ मेटेरियल को आप गैस कटर से भी काटते हैं। लेकिन आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो गैस कटर से आप मेटेरियल काटते हैं वो MS का मेटेरियल होता है। अगर D2 का, हाई स्पीड का या EN31 का जो भी मेटेरियल होता है, इनके मेटेरियल को आपको हेक्सा भी कटवाना पड़ता है, गैस कटर से नहीं कटते हैं। ठीक है, अब बात क्या है इसमें, मतलब इसमें क्या सीखने वाली बात है, क्या जानने वाली बात है, ज़रूरी बात है, तो ये है। देखिए, हम और आप गैस कटर जब भी मेटेरियल काटते हैं तो आप देखते हैं, अगर हम काटते हैं छोटी छोटी गलतियों की वजह से, सिर्फ छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम फिनिशिंग नहीं कर पाते हैं। हम जब काटते हैं तो हमें ऐसा लगता है कहीं छोटा हो रहा, कहीं बड़ा हो रहा, कहीं साइज, मतलब कहीं साइज कहीं कम हो रहा, कहीं ज़्यादा हो रहा है, या हमें कोई राउंड में काटना हुआ तो हम राउंड में प्रॉपर नहीं काट पाते हैं। ये चीज़ें आपने देखी होगी। हालांकि ये चीज़ें प्लाज्मा पे कटती हैं तो काफ़ी अच्छा, बिल्कुल फिनिशिंग बिल्कुल साइज में होकर आ जाता है, लेकिन अगर हम मैनुअली काटते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो में आपको ये दिखाने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि मैनुअली ही काटें, लेकिन छोटे छोटे से कुछ ट्रिक हैं जिसको अगर अपनाते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप इसका काट सकते हैं और काफ़ी फिनिशिंग काट सकते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से काटा जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आपको वो चीज़ें मतलब परसेस करनी है, अपनाना है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें देख के जाएंगे, कुछ चीज़ें सीख के जाएंगे, ताकि आपको कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं हाँ जी ये ऐसा ऐसा होता है। और उसमें हालांकि आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैं आपको पूरा प्रॉपर इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं शुरू। आपका दोस्त मैं अमर सिंह अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे एक पीस दो पीस नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्वांटिटी में पीस कटते हैं, यानी कि ये मैं किसी शॉप पर आया हूँ, यहाँ से मुझे परचेज़ करना है, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कुछ चीज़ मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा चलो यार आप लोगों से भी शेयर कर दिया जाए, ताकि कुछ ना कुछ आपको लोगों को देखने को ही मिलेगा और कुछ ना कुछ सीखने को जानने को ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, पूरी पूरी सीट आ गई। ठीक है, सीट आने के बाद इन्होंने गैस कटर से ही सब कुछ काटा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी काम हो रहा है सिर्फ गैस कटर से हो रहा है, ना कि कोई प्लाज्मा है, ना कि अदरवाइज कोई मशीन है। लेकिन क्या है, देखिए बिल्कुल राउंड में बिल्कुल तरीके से काटा जा रहा है। इन्होंने नाप लिया, सेंटर लगा लिया, उसी सेंटर पर रखा, रखने के बाद घुमा दिया और बिल्कुल राउंड में गोल पीस कट कर आ गया। तो चलिए कैसे कटा ये भी आपको दिखाता हूँ एक बार में। यहाँ पर देखिए एक मतलब तरीका है समझने के लिए क्या है। जैसे देखिए आप यहाँ पर क्या हुआ कि जिस भी राउंड में आपको काटना है, जिस भी डायमीटर पे आपको काटना है, आपने पहले सेंटर ले लिया। मुझे इसमें क्या करना है, ये मेरी खुद की प्लेट है, मुझे इसमें करना क्या है, मुझे बाहर का रिंग चाहिए। ठीक है, अंदर अंदर का बाहर तो कट चुका है, कट के अलग हो चुका है, मुझे अंदर भी कटवाना है, अंदर कटवाना, मुझे सिर्फ रिंग चाहिए। ठीक है, मुझे रिंग रिंग लेना है। तो इसके लिए क्या है, जैसे रिंग का प्रोसेस है सेम प्रोसेस अभी वही था जो बंदे ने भी पहले काटा था। इसके लिए क्या करना होता है, आपको सेंटर लगाना होता है जितने जितनी दूरी का चाहिए। मान लीजिए आपका 200 डाया है तो आप 100 पे सेंटर लगे, जब 200 नापेंगे आप जहाँ पर 100 होगा वहाँ पर सेंटर लगा लेंगे, उसे सेंटर पर लगाने के बाद सेंटर पर लगा लेंगे, वहाँ पर डिवाइडर रखें, डिवाइडर रखने का घुमा देंगे, घुमाने का सर्कल बन गया। सर्कल बनने का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो चीज़ ये है, जो अभी ये लगाया जा रहा है, डिवाइडर लगाया जा रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये डिवाइडर ही उस सेंटर पंच में डाल दिया जाएगा और इसको घुमा दिया जाएगा। जब घुमाया जाएगा तो क्या होगा, बिल्कुल प्रॉपर आएगा। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो पढ़ते समय हम लोग प्रकार का इस्तेमाल करते थे, आप जानते होंगे हम लोग प्रकार का इस्तेमाल करते थे, प्रकार का इस्तेमाल से कर कर ही हम लोग कोई भी राउंड सर्कल बनाते थे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही है। जैसे हम वहाँ पर एक बिंदु पर रखने के बाद पेंसिल से सर्कल की तरफ घुमाते थे, मतलब राउंड में घुमाते थे, सेम ऐसे यहाँ पर भी होता है। सेंटर पंच पे हम रखते हैं और इसको राउंड में घुमाते हैं, इससे क्या होता है बिल्कुल प्रॉपर राउंड होकर निकलता है यहाँ से। ये चीज़ मैंने आपको लाइव दिखाई दिया, मतलब प्रोसेस भी देख लिया आपने कि हाँ भाई इस तरीके से काटा जा सकता है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, आप मतलब अगर अपने कंपनी जॉब में कहीं भी इस्तेमाल करते हैं राउंड में तो आप इस तरीके से काट सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका मेरे को लगा, जहाँ तक आप देख सकते हैं। देखिए मैनुअल काटने तो देखिए आप काट तो है ही है, लेकिन अगर आप इस तरीके से काटते हैं तो ये तो मटेरियल आपका फिनिशिंग आएगा, उसके बाद अगर उस पर आपको कोई काम करना है तो काम करने काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस तरीके के मटेरियल अगर ऊपर नीचे काट देते हैं तो उसमें फिर हमें राउंड बनाने में बड़ी प्रॉब्लमें आ जाती हैं। तो कुछ इस तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हालांकि यार मैंने कुछ देखा, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं सोचता हूँ कुछ चीज़ें शेयर की जाए। अब ऐसा मैं सोचो यार इसमें है क्या, कुछ चीज़ें है नहीं, तो ऐसा नहीं है यार, क्योंकि
जो कुछ चीज़ें मेरे लिए कॉमन होंगी, ठीक है, मैं डेली देखता हूँ, डेली हो रहा है, मेरे लिए कॉमन होंगी, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए यूनिक होगी अगर आपने पहली बार देखा है, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो बस मैं यही सब सोच के यार मैं सोचता हूँ चलो यार शेयर किया जाए। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं जल्दी यार काफ़ी और चीज़ें भी लेकर आने वाला हूँ, बस आप लोग अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। तो यार बात तो हो गई यार हमारी राउंड सर्कल की, मान लीजिए स्क्वायर काटना हुआ तो ठीक है, तो राउंड सर्कल की बात होगी भाई, चलो हमने राउंड में काट लिया, राउंड में काटने डिवाइडर लगा लिया। तो चलिए यार अगर मान लीजिए आपने कोई प्लेट स्क्वायर में काटनी हुई, स्क्वायर साइज में काटनी हुई, तो चलिए देखते हैं यार उसको किस तरीके से काटा जाएगा, किस तरीके से काटने में आसानी होगी, यार कौन सी मशीन है या किस तरीके से काटा जा रहा है, उस चीज़ें मैं देखता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ, यहाँ पर सब कुछ लाइव दिखाता हूँ क्योंकि ताकि आपको हर चीज़ देखने या समझने में जानने में आसानी हो। तो यहाँ तक का तो आपने प्रोसेस अच्छे से समझ लिया होगा कि मतलब गैस कटर का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करके काटा जा सकता है जहाँ से आप आसानी से काट सकते हैं। तो चलिए आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले चलता हूँ स्क्वायर प्लेट की तरफ। तो दोस्तों अब आप देखेंगे ये स्क्वायर प्लेट, मतलब प्लेट की साइज कुछ भी हो सकता है, राउंड छोड़कर मान लीजिए आपका साइज कुछ भी हो, लंबाई में हो, चौड़ाई में हो, स्क्वायर हो, किसी भी तरीके का साइज हो। तो यार ये मशीन मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, सही बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी लगी। आपने मशीन को सेट कर दिया, मशीन अपने आप चलेगी बिल्कुल सीधा, उस सीधा सीधा बिल्कुल काटेगी, कोई ऐसा नहीं है कोई टेपर आएगी या लाइन टेढ़ी कटेगी, प्लेट टेढ़ी कटेगी, ऐसा कुछ नहीं यार। इस मशीन से मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हालांकि मैंने यहाँ पर बात किया तो बताया ना उन्होंने मशीन जो काटती है यार कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब 80 mm तक की प्लेट तो ये खुद काटते हैं, कहते हैं 100+ प्लेट को काट देती है, तो मुझे खुद भी नहीं बिलीव हो रहा, हालांकि मैंने यहाँ पर कुछ प्लेटों को देखा भी जो कि 50-60-70 तक की प्लेटें हैं, वो खुद मैं अपने यहाँ मंगवाता हूँ जब इनके यहाँ से, तो वो 50-60 तक की प्लेटें आराम से काट के देते हैं, 70 तक की प्लेटें 80 तक काट के देते हैं, ये बताते हैं 100+ तक की प्लेट, मतलब 100 mm थिकनेस ज़्यादा वाली प्लेटों को भी आसानी से काट देती है मशीन। तो देखिए काफ़ी अच्छी बात है यार, देखिए मशीन यहाँ पर इन्होंने सेट कर दिया, अब सिंपल सा धीरे 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 करके मशीन आगे की तरफ बढ़ती जाती है और ये पीस कटता जाता है, बिल्कुल सीधा कटता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि राउंड सर्कल में काटने के लिए सिर्फ एक डिवाइडर की तरह इस्तेमाल करके राउंड सर्कल में कितने आसानी से, कितने साफ और कितने फिनिश तरीके से काटा जा रहा है, और उसके साथ साथ कोई भी अगर स्क्वायर प्लेट हो या अदरवाइज कोई भी साज है राउंड को छोड़कर, तो उसको काटने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करके काटा जा रहा है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस मशीन से आप 100 mm तक की प्लेटों को भी काट सकते हैं। 100 mm समझते हैं यार इतना ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 4 इंच लगभग 100 mm बहुत ज़्यादा हाइट हो जाता है, लेकिन फिर भी उतनी मोटी थिकनेस को भी आराम से काट देता है। तो यार बस मेरा मकसद बस यही था कि यार आप लोगों को कुछ नया दिखाया जाए, कुछ नया चीज़ों के बारे में बताया जाए, हो सकता है आपके कभी काम में आए आज ना कल, कभी कभी तो हो सकता है यार लाइफ में कभी ना कभी काम में आए, या कभी आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता भी सकते हो हाँ ये चीज़ें मशीन होती है इस तरीके से काटा जाता है। तो बस यही सोच के मैंने आप लोगों से शेयर किया, हालांकि मेरी कोशिश रहेगी मैं और चीज़ों को भी शेयर करूँ अदरवाइज अदर कंपनी में, अदर वर्कशॉप में, जहाँ भी मुझसे जो भी लगता है यार इस फील्ड से जो भी रिलेटिव चीज़ें हैं मैं आप लोगों को शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, टाटा बाय।